राजस्थान के करौली जिले से 10 किलोमीटर दूर अस्थल गांव, अस्थल गांव में संचालित डावर प्लांट से निकलने वाली जहरीली गैस व रेता से आसपास के ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं, जिसमें 200 से लेकर 250 तक की आबादी वाले क्षेत्र के 20-25 व्यक्ति कैंसर व टीबी जैसी बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं। मतलब धूल छा जाती है उस पर, खेती उगती पे। डंबर प्लांट कब का लगा हुआ है करौली में? ये सर 2000 से ही लग रहा है, 2000 के बाद से। पहली तो यही है कि हमारे थोड़ी मतलब धुआं की बदबू ज़्यादा आती है, इसकी धुआं मतलब, और इधर की हवा चला जाए पूरा रेत और हवा मतलब पूरे गांव में अंधेरा से हो जाता है। खेती के लिए खेती में गिरता है इसकी वो प्रदूषण, तो खेती बरसात से दुबे नहीं, आप पेड़ ने देख लेते नहीं, आप सक्सेस नहीं हो रहे ऊपर आगे बढ़े, ऐसा बदल जैसा हो जाता है, पेड़ों की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, पैदावार नहीं होती है, यहाँ से काय नष्ट हो जाती है, रेता उड़े नहीं देते, मिट्टी रेता उड़ता है इसमें, उससे फिर क्या फर्क? और फिर यहाँ में से काय गई डस्ट यहाँ में से आती है, सारो रेता आता है, प्लांट चलता है ना तो इसकी धुआं निकलती है, उसको प्रदूषण कैंसर हुआ, तो आपने फिर इलाज नहीं कराया अपने पापा? इलाज के लिए इतने पैसे नहीं थे, अब पैसे थे तो इतना थोड़ा बहुत इलाज करवाया, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि कहीं बाहर और दिखाए। इस प्लांट की वजह से गांव के लोगों को क्या क्या समस्या आती होगी? अच्छी समस्या ना, उनको रोजगार मिल रहा है, उनकी गाड़ी घोड़े हैं जो चल रहे हैं, समस्या कहीं कोई है? कुछ प्रदूषण तो होता ही होता ही है, खैर पर इतना यहाँ तो ग्रीन बेल्ट बहुत है ना, ऐसे कोई कभी कंप्लेंट तो की नहीं किसी ने, फिर भी आप पूछ लो लोकल इंक्वायरी कर लो, ऐसे रोजगार भी मिल ही रहा है लोगों। यहाँ भी अब खपकोड़ा है, टीवी बन गई, कितने दिन हो गए टीवी बने हुए? साल भर हो गई, अब तो दवाई चल रही है, यहाँ खुद कही है। ऐसे आपके गांव में कितने पेशेंट होंगे जो एक इसका भाई खत्म हो गया? जब मैं भरतपुर बैठने वाले प्रदूषण विभाग के अधिकारी से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि इस डामर प्लांट की हमारे यहां पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वह उन्होंने इस डामर प्लांट को पूर्ण रूपेण अवैध बताया। मैं चाहती हूँ कि इस प्रकार के डामर प्लांटों के प्रति तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित हो रही परेशानियों पर रुकावट मिल सके। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।